पटना के दिल गांधी मैदान के पास छात्र छात्राओं का ये हुजूम उस जघन्य अपराध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। करगिल चौक पर हाथों में तख्ती बैनर और जुबान पर अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। दरअसल मामला गैंगरेप का है जिसे एक नहीं पिछले 3 महीनों में 2 बार अंजाम दिया गया। 20 साल की पीड़ित लड़की का आरोप है कि 9 दिसंबर को उसके साथ रसूखदार बॉयफ्रेंड और 3 लड़कों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था और वारदात का वीडियो भी बना लिया था। मामला पटना के पौश पाटलिपुत्र कॉलोनी के नेहरू नगर इलाके का है और सभी आरोपी हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आरोपियों ने धमकी दी थी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो ये वीडियो को वायरल कर देंगे। पीड़ित छात्रा ने हिम्मत जुटाते हुए पुलिस में FIR दर्ज करा दी। 4 लड़कों जो हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा उनके साथ जो है गलत किया गया, दुष्कर्म किया गया है, जिसपे इमीडिएटली जो है पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है FIR दर्ज किया गया। पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर में भी उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है और उसका वीडियो बनाकर उसे धमकी दे रहा था। जब मुजफ्फरपुर कांड जब से हुआ तब से मनोबल बढ़ा हुआ है लोगों का। मुजफ्फरपुर कांड के बाद आप देखिएगा नीतीश कुमार जो हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे, बचाने का काम कर रहे। फिलहाल 4 में से 2 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है जिसमें मुख्य आरोपी उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल है। पुलिस ने IPC की धारा 164 के तहत कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज करा दिया और पीड़ित लड़की की दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस बाकी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 4 आरोपियों में से 2 ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और बाकी 2 की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, मगर इस घटना ने एक बार फिर से देश में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।